ये नजारा है मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र अंतर्गत चक्कर की मिलक वार्ड नंबर 25 का गली नंबर 12 में। उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना जैसे ही पूरे क्षेत्र में पहुंची तो हर जगह हड़कंप मच गया। आनन फानन में क्षेत्र के लोगों ने घर के दरवाजे तोड़कर आग बुझाने का पूरा प्रयास किया। पीड़ित महिला सीमा ने यह जानकारी दी कि उसका पति राजा शराब पीकर देर रात घर में पहुंचा था और वह बच्चों पर हमला करना चाह रहा था, जिसके बाद स्थानीय निवासियों की मदद से महिला बच्चों को लेकर दूसरे स्थान पर चली गई, जिसके बाद राजा नामक व्यक्ति ने नशे की हालत में अपने घर में आग लगा दी। ये सभी जानकारी महिला द्वारा दी गई। महिला का यह भी कहना है कि पूरे घर में आग उसके पति ने ही लगाई है। आग लगने की वजह से लाखों रुपए के माल का नुकसान भी हुआ है और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। अब उसके सामने एक बड़ी समस्या ये है कि घर में किसी प्रकार का कोई सामान नहीं बचा है। अब वह अपना पालन पोषण कैसे करेगी। पति भी आग लगने के बाद से घर से भाग गया है। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने ही महिला की मदद करने का काम किया। इस महिला ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसकी मदद की जाए। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए महिला ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया। सर, मेरा घर चक्कर की मिलक 12 नंबर गली गोसिया मस्जिद की गली में है। कैसे मैं किराए के घर में रहती हूँ। मेरा हस्बैंड रोज ड्रिंक करते हैं, रोज मारा मारे करती, पर इतनी नहीं करते जितनी की रात करी। रात बाहर सड़क पर किसी से उनकी लड़ाई हो गई होगी। घर पर आकर बच्चों पर ब्लेड से अटैक कर रहे थे। अच्छा। तो मेरे पड़ोस के लोगों ने बचाया, पड़ोसियों ने, और महातप आई हुई तो हमारे मोहल्ले वाले बोले कि आप अपने मैं के चले आओ। तुम मैं के चली गई, उन्होंने तो वो उन्होंने क्या काम करा, मोहल्ले वालों के सामने ही अपना सिर फोड़ लिया दीवार से, ठीक है, और जाकर पुलिस से बोले मेरी बीवी ने मुझे मारा, और दो रेपट वाले पुलिस वालों को लेकर आ गए। तो जब पुलिस वालों ने यहाँ पर देखा तो मोहल्ले वालों ने दवाई सही दी कि लड़की तो सही, उन्हें नहीं मारा, इसलिए वो उन्हीं को डांट कर चले गए और बोले तू नशे में और ऐसा कर, तो अब सो जा और सुबह को थाना आना और हम तुझसे सुबह को बात करेंगे, ठीक है। अब वो यहाँ पर आए और आने के बाद जो ना मेरे पूरे घर में आग लगा दी, मेरे बच्चों को कपड़े तक के जला दी। तुम्हारे बच्चे और तुम कहाँ थे उस समय? आप चले गए? जी मैं चली गई थी, मैं अपने घर ले गई थी या पीछे, ये मैं सब जल तो गई। मैं खोल रही की बाद में बोली खोल दो ताला, खोल दो, मैं आग बुझा दूंगी। तो इन्होंने मुझे ताला नहीं खोलने दिया और मुझे मारा। गली में है, मेरे दहेज का सामान था, फुल फर्नीचर था, फ्रिज थी, टीवी था रंगीन, और वो था सेटो बॉक्स था, मिक्सर थी, कूलर था, वॉशिंग मशीन थी, और वगैरह वगैरह सारा। मैं क्या कहता हूँ, बच्चों कपड़े कम्बल ब्लैंकेट वगैरह सब थे जी। सर्दी के गर्मी के बच्चों के कपड़े तक। सर मैं जिस टाइम पे नहीं हूँ सिर्फ मेरे पास यही कपड़े, इसके अलावा अदर कपड़े नहीं है मेरे पास। पापा भी नहीं है इसके? शेर अहमद उर्फ राजा जी। क्या करते हैं जी? चार्जिंग की ऑटो चलाते हैं, वो भी मैंने दिलाई किस्तों में बैठकर। पता नहीं सर, भाग गए जब से उन्होंने आग लगाई।